मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा और कहा कि दिग्विजय ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसका मतलब है कांग्रेस की पराजय निश्चित है। उन्होंने कहा ये वही ईवीएम है जिसने कांग्रेस को 2018 के चुनाव में जीत दिलाई थी, लेकिन जब कांग्रेस हारती है तो वो सारा ठीकरा ईवीएम पर डाल देती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस की आदत है हार के वक्त ईवीएम को दोष देना। कांग्रेस पहले से हार की भूमिका बताने में लगी थी, अब जब कांग्रेस समझ रही है कि वे हार रहे हैं तो ये सारा दोष ईवीएम को दे रहे हैं। शिवराज ने जनता से अपील की कि जनता वोट जरूर करे, क्योंकि जनता के वोट से ही लोकतंत्र बचता है और सरकार बनती है। उन्होंने कहा चुनाव में भाजपा जीतेगी और जनता का मंगल होगा, वे तो सदैव से ही राम हनुमान और जनता के सेवक रहे हैं। सभी 28 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव में उत्साहपूर्वक मतदाता मतदान कर रहे हैं। मेरी फिर सभी बहनों और भाइयों से अपील है, प्रार्थना है कि जिनने अब तक वोट नहीं किया वो वोट जरूर करें, क्योंकि आपके वोट से ही लोकतंत्र मजबूत होता है और सरकारें बनती है। पहले से हार की भूमिका बनाने लगी कांग्रेस, अब दिग्विजय जी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। यही ईवीएम थी जिसमें से 2018 में 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तब ईवीएम अच्छी थी, और अब जब उनको लग रहा है कि पूरी तरह पराजित हो रहे हैं तो सारा दोष ईवीएम पे मढ़ दो और खुद छुट्टी पा जाओ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।